इसी तरह से एक दूसरा प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, राइट क्लिक करके न्यू, हमने एक पैकेज लिया एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट पैक, और यहाँ जाके मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दिया, तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू में गया और यहाँ एक मैंने क्लास लिया और क्लास का नेम मैंने दे दिया पर्सन, पर्सन क्लास क्रिएट किया। पर्सन क्लास क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल लिया स्ट्रिंग नेम, और एक वेरिएबल लिया मैंने जेंडर स्ट्रिंग जेंडर। ये एक दूसरा एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, और ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। आपने स्ट्रिंग लिया एन एम कॉमा एंड इसके बाद हमने क्या लिया स्ट्रिंग जी ई एन, और सिंपल है मैंने नेम में एन एम को एन एम की वैल्यू को नेम में असाइन कर दिया एंड जेंडर की वैल्यू को मैंने जी ई एन में असाइन कर दिया। इसके बाद मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट void work, ये मेथड मेरा क्या है एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा मुझे यहाँ पे इस क्लास को क्या बनाना होगा एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा, तो ये एरर सॉरी चला जाएगा है ना, ये एरर चला गया आपके पास से। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मेथड लेना है टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग मेथड लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल है आप एक मेथड लो पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और ये क्या रिटर्न करेगा ये देखते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, ये एक्चुअली प्रीडिफाइंड क्लास जो होता है उसका एक ओवररिडन मेथड होता है, ये पब्लिक वॉइड पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमें एक रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा रिटर्न, और रिटर्न में हम क्या लिखवा रहे हैं इसको डबल कोट्स में नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स प्लस दिस डॉट नेम प्लस डबल कोट्स में जेंडर इक्वल्स टू दिस डॉट जेंडर, ये हमने इसे रिटर्न करवा दिया। एंड रिटर्न करवाने के बाद यदि आप अपने नेम को चेंज करना चाहते हो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, इसके लिए मैंने एक मेथड बनाया void चेंज नेम, आपने एक मेथड बनाया और इस मेथड को बनाने ये क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है स्ट्रिंग न्यू नेम, और इस मेथड में फिर आपने क्या लिखा, सिंपल है नेम इक्वल्स टू न्यू नेम, दैट्स इट। ये क्लास हमारा यहीं पे क्लोज हो गया। आप देख सकते हो कि एक मेथड हमारे पास क्या है वर्क, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और इसलिए उसकी कोई बॉडी नहीं है। बॉडी कौन देगा, एक डेराइव क्लास उसे बॉडी देगा, राइट। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें एक और क्लास बनानी है। मान लेते हैं कि हमने एक क्लास बनाया एम्प्लॉय, राइट क्लिक किया न्यू किया एक क्लास लिया हमने, और क्लास का नेम हमने दिया एम्प्लॉय। देने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, एक इंट ई एम पी आई डी हमने यहाँ पे रखा है, एम्प्लॉय आई डी होगा। और इसके बाद हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय नेम से कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हम इसे पैरामीटराइज बनाने जा रहे हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप क्या करोगे, वैल्यू पास करोगे स्ट्रिंग एन एम कॉमा स्ट्रिंग जी ई एन एंड कॉमा इंट आई टी,
और यहाँ पे आप क्या करोगे, सुपर जैसा कि आपको पता है क्या करता है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर और मेथड को कॉल करता है। और फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एन एम कॉमा नॉट जी एन डॉट नॉट कॉमा, अगेन ये प्रॉब्लम दे रहा है। एम्प्लॉई जो है ये क्लास एक्सटेंड होगी तभी आप इसे सुपर यूज कर पाओगे, सुपर पर्सन। अब क्या दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ क्या दिक्कत है, अच्छा वो से मैं मुझे उस मेथड को डिफाइन करना होगा तभी ये इन चीज़ों को देखेगा। अब जो मेथड है वाइट वर्क, उसे हमें क्या करना है, यहाँ डिफाइन करना है, बट ये मेथड यहाँ बता रहा है हमें क्या, द टाइप एम्प्लॉय मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड पर्सन डॉट वर्क, पर्सन डॉट वर्क, और पर्सन में क्या है मेथड वाइट वर्क, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बॉडी दे रहा हूँ, तो बॉडी वाइट वर्क, वाइट वर्क में हम यहाँ पे कुछ भी कोट कर सकते हैं। मैंने लिखा इफ इफ ई एम पी आई डी इक्वल इक्वल्स टू जीरो, तो क्या प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट वर्किंग एल्स, आप प्रिंट कर दो, आप यहाँ क्या प्रिंट कर दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, राइट राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर, इसमें हमें क्या लिखना है, ई एम पी आई डी इक्वल्स टू आई डी, और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ये पता नहीं इसे हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक यहीं पे हम एक क्लास ले लेते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरा क्लास ले सकते हैं और दूसरे क्लास में हम इसे कोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैकेज पे जाके राइट क्लिक किया, न्यू में गए और यहाँ से हमने एक क्लास ले लिया मेन, और इसके अंदर हमने एक मेन मेथड को रखा, हमने इसे फिनिश किया। अब यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू पर्सन, और ये क्या ले रहा है, पैरामीटर्स ले रहा है, नेम जेंडर एंड एम्प्लॉय आईडी। मैंने नेम दिया इसका राहुल, जेंडर दिया मैंने मेल, और एम्प्लॉय आईडी दिया मैंने वन, पर्सन स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू, क्योंकि यहाँ पर्सन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एम्प्लॉय, राइट। अब दूसरा मेथड हम क्या, ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं, पर्सन एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ मैंने नाम दे दिया नरेश, सॉरी इसे यहाँ हमें नाम देना होगा ऐसा, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे नाम रूपाली, और ये क्या है फीमेल, और आईडी मैंने इसे दे दिया जीरो, और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, सेमी कलर। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट वर्क मैथ, सॉरी स्टूडेंट डॉट वर्क मेथड को कॉल करेंगे, और फिर इसके बाद हम एम्प्लॉय डॉट वर्क मेथड को कॉल करेंगे। हमने इसे सेव किया, हमने इसे राइट क्लिक किया और इसे मैंने रन किया, वर्किंग एज एन एम्प्लॉय नॉट वर्किंग, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। आप क्या देख, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। मैं बस इससे प्रोग्राम आपको समझाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है पर्सन, जिसके पास दो वैल्यू है नेम एंड जेंडर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपने एन एम की वैल्यू को नेम में असाइन कर दिया और जी एन की वैल्यू को आपने जेंडर में असाइन कर दिया। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वर्क मेथड, स्ट्रिंग मेथड को आपने क्या किया, यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया और वैल्यू रिटर्न करवा दिया, और चेंज नेम में आपने वैल्यू को नेम चेंज कर दिया।
एक एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास में एक्सटेंड हो रही है पर्सन क्लास से। इसके पास सिर्फ एक वेरिएबल है एम्प्लॉय आईडी, और इसके थ्री पैरामीटर्स ले रहा है, नेम, जेंडर और एम्प्लॉय आईडी। और यदि एम्प्लॉय आईडी जीरो है तो दिखा दे नॉट वर्किंग, अदरवाइज वो दिखा दे वर्किंग एज एन एम्प्लॉई। मेन मेथड में आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड मेथड को कॉल किया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ एक क्वेश्चन है, वहाँ मैंने एक चेंज मेथड लिखा था एम्प्लॉय डॉट चेंज नेम, और इस चेंज नेम में मैंने नाम दे दिया क्या सिद्धि, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट और डॉट प्रिंट एलन किया, और मैंने यहाँ पे क्या कॉल किया वैल्यू इक्वल्स टू ऐसे कर दो, और क्या लिखूँ यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट एंड टू स्ट्रिंग मेथड को मैंने कॉल किया। टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है। आप इसे राइट क्लिक करो, रन एड में जाओ, इसे आप रन करो, क्या है नेम इक्वल टू सिद्धि, जेंडर फीमेल, ठीक है। यहाँ एक प्रोग्राम में एरर दे रहा है, इस प्रोग्राम में क्या एरर है वो पहले चेक कर लें, और वो एरर ये है कि इस मेथड को हमने ओवरराइड नहीं किया, इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर पॉइंट्स को हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।